Buddhupadu Dullabhu 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 Lokasmin Manushabhau Dullabhu Dullabhu Dullabhang Saddham Savanam Dullabha Saddha Sampatti Pambhajitabhau Dullabhu. अनंत काल से समय समय पर लोक में सर्वज्ञानी बुद्ध जन्म लेते हैं। प्रत्येक बुद्ध लुप्त हुए कल्याणकारी शुद्ध धर्म के मार्ग को पुनः प्रकाशित करते हैं। शुद्ध धर्म अर्थात प्रकृति के नियम, जिनके अनुपालन से जीव सब दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसे मार्ग से लाखों का कल्याण होता है। नियति के विधान से कालांतर में उनकी मंगलमय शिक्षा रूढ़ी में परिवर्तित हो जाती है। उस पर विपुल साहित्य तो रचा जाता है, लेकिन धर्म का सार निकल जाता है। धर्म के मार्ग पर लोग चलना छोड़ देते हैं और रह जाती है केवल शब्दों की गूंज। कई कल्पों पूर्व एक दृढ़ संकल्पी तपस्वी सुमेध उस काल के बुद्ध दीपंकर से प्रभावित हो और उनके आशीर्वाद से बुद्ध बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता है। कई जन्मों तक भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हुए, अपने चित्त को शुद्ध बनाते हुए, अपने संकल्प को और सुदृढ़ करते हुए बोधिसत्व सुमेध ने ईसा पूर्व 624 में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। भरी जवानी में गृह त्याग कर 6 वर्षों के गहन तप और साधना द्वारा सिद्धार्थ गौतम ने वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबोधि प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने परम करुण चित्त से विचरण करते हुए उत्तरी भारत के लाखों लोगों को शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपने अर्हत बने शिष्यों को देश भर में वही करने भेजा। लाखों लाखों का चहुं और कल्याण हुआ। उनके करीब 2 शताब्दी पश्चात सम्राट अशोक नाम का बड़ा योद्धा शासक हुआ। कलिंग युद्ध में स्वयं द्वारा किए हुए भारी रक्तपात और हिंसा से उत्पन्न ग्लानी से अशोक विचलित हो उठा। विपश्यना साधना सीखकर मन की शांति पाई। चंड अशोक धर्म अशोक बन गया। जीवन भर धर्म का सेवक बन गया। धर्म की शिक्षा शिलालेखों में जगह जगह उपलब्ध कराई। उसने ज्ञानी भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजने की पक्की व्यवस्था की, जिससे कि मानव मात्र को शुद्ध धर्म का लाभ प्राप्त हो सके। काल की ही कोई विडंबना थी कि अशोक के 3-4 सदियों बाद बुद्ध की शिक्षा का सार विपश्यना अपने शुद्ध रूप में लुप्त होने लगी, और ऐसी लुप्त हुई कि विपश्यना शब्द ही लोक भाषा में से निकल गया। अन्य देशों में भी विपश्यना अपने शुद्ध रूप में कायम नहीं रह सकी। मानव विश्व ज्ञान के अंधकार में डूब गया। यह मनुष्य जाति का सौभाग्य है कि इस घोर अंधकार में एक छोटे से देश म्यांमार के बहुत ही थोड़े से लोगों ने एक भिक्षु गुरु शिष्य परंपरा में सदियों तक विपश्यना को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। केवल ये देश स्वर्ण भूमि है, सोना है, वो रत्न को संभाल के रखेगा, 2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा। और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा, तब ये बर्मा से भारत आएगा। भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे और तब ये विश्व में फैलेगा। इस श्रृंखला में एक परम ज्ञानी और दीर्घ दृष्टा भिक्षु हुए लेडी सयाडो। आने वाले समय की मांग को देखते हुए उन्होंने एक साहसी कदम उठाया और विपश्यना के द्वार गृहस्थों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। लेडी सयाडो वाज अ बिग स्कॉलर। ही वाज अ मास्टर ऑफ पाली लैंग्वेज। ही रोट मेनी बुक्स, मेनी कमेंट्रीज, मेनी पोएम्स। ही वाज अ गुड पोएट एंड देन ही बिकेम मास्टर ऑफ बोथ।
theory and practice, pariyati and patipatti. He realized that now 2500 years is coming. The Dhamma has to spread round the world, and it will spread round the world if the householders take up this vision. Because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them. And people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. And he gave teaching to a few householders. इस नई परंपरा की नींव पहले आचार्य की योग्यता और पारमी में बसी थी। वे थे महान गृहस्थ सयाथी जी। एक गरीब किसान के घर में जन्मे, उन्होंने 10 वर्ष की छोटी आयु में ही पिता को खो दिया। घोर गरीबी और घर की जिम्मेदारियों में डूबे सयाथी जी ने मेहनत, सूझबूझ, अत्यंत ईमानदारी और आध्यात्मिकता के बल पर आगे बढ़ते हुए समृद्धि व यश उपलब्ध किए। लेकिन कठोर काल ने एक महामारी में उनके बच्चों को और कुछ संबंधियों को निगल लिया। उस दुख के सत्य ने उनको नित्य की शोध में लगा दिया और लीडी सयाडो के द्वार पर ला खड़ा किया। उनकी अद्भुत पवित्रता और लगन ने उनको गृहस्थ परंपरा का पहला आचार्य बना दिया। Initially difficulty was there. First he gathered a few of his own laborers in the farm and told them that what daily wages you get, I'll give you your daily wages. And they meditated, they got result, and the word started spreading. Well, there is something with this cultivator. If it got attracted, more and more people started coming. And this is how it spread. पत्नी और परिवार ने उनकी गृहस्थ जिम्मेदारियां उठा ली और उस सहायता का लाभ उठाकर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में गृहस्थों और भिक्षुओं को शुद्ध धर्म की शिक्षा दी। धर्म की धारा ने नया वेग पकड़ा। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। उनके शिष्यों में अपनी ईमानदारी और प्रतिभा के लिए विख्यात एक सरकारी कर्मचारी भी था, उ बा खिन। थोड़े समय में ही उसने धर्म के मार्ग पर बहुत प्रगति कर ली थी। 1941 में उ बा खिन की मुलाकात हुई महान संत वेबू सयाडो से, जिन्हें लोग अर्हत मानते थे। उनकी पारमिताओं को और प्रतिभाओं को पहचान कर वेबू सयाडो ने उन्हें तुरंत लोगों को धर्म सिखाने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा मानकर उसी दिन एक रेलवे स्टेशन मास्टर को चौसिकी स्टेशन के पास एक रेल के डिब्बे में आना पान की शिक्षा दे भी दी। 1952 में सयाजी उ बा खिन ने इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की, जहां हजारों बर्मी और विदेशी साधकों को विपश्यना सिखाई। सयाजी के मन में भारत के प्रति अत्यंत कृतज्ञता और आदर का भाव था। आश्रम के एक कोने में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों का चित्र था। वे नित्य उसके पास बैठकर भारत और उसके निवासियों को विकास की और शीघ्र से शीघ्र खोए हुए शुद्ध धर्म को पुनः पाने की मैत्री भावना प्रेषित करते। उनके मन में इस बात की बहुत धर्म कामना कि किस तरह से भारत का हम पर ऋण है। भारत ने इतनी बड़ी संपदा, धर्म की संपदा हमें दी, इतना अनमोल रत्न हमें दिया, आज भारत कंगाल है, उसके पास नहीं है। ये विद्या नष्ट हो गई, बुद्ध की शिक्षा नष्ट हो गई, हमको ये कर्जा चुकाना है। एक ही बात बार बार कहते थे, हमें भारत का कर्जा चुकाना है। ये अनमोल रत्न जो भारत से आया, वो भारत में वापस जाए। द्वितीय बुद्ध शासन जागेगा, दूसरी बार बुद्ध का धर्म जोर से जागेगा, ऐसी मान्यता है। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए, भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहां लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल कर रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है। तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी, और संभाल के रखा। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक छोटे से देश में जतन से सुरक्षित रखी हुई विपश्यना विद्या, मानव जाति का अनमोल धर्म रत्न, किस तरह निकलकर विश्व भर में पहुंची, उस यात्रा की कहानी है।
शुद्ध धर्म के पुनः प्रकाशन और विस्तार की कहानी है। द राइज ऑफ धम्मा। एकायनौ वयं भिक्खवे मग्गु सत्तानं विशुद्धिय शोक परिदेवानं समतिक्कमाय दुःखदो मनस्सानं अत्थंगमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्चिकिरियाय यदिदं चत्तारु सतिपट्ठानाति। ১৯২৪ में सत्यनारायण गोयंका का जन्म हुआ। सयाजी की भारत को उसको खोए हुए रत्न को लौटाने की इच्छा पूर्ण करने वाले धर्मदूत का आगमन हुआ। कई विचित्र घटनाओं से भरी हुई गोयंका जी की जीवन कहानी मानो धर्म ने विशेष रूप से रची हो। कई सदस्यों वाले बड़े परिवार में जन्मे सत्यनारायण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा उनके पुण्यात्मा देश प्रेमी और काव्य रसिक दादाजी का। कट्टर हिंदू और व्यवसायी परिवार के चलन से हटकर उन्हीं के प्रभाव के कारण गोयंका जी को बचपन से ही मांडले के महाम्यामुनि पगोड़ा में मौन साधना करने में आनंद आने लगा। गुरु जी विपश्यना करने के पहले तो बहुत कृष्ण भक्त थे और बाबूलाल और दोनों भाई इतने भजन गाया करते थे, बहुत भजन गाया करते थे। संवेदनशील गोयंका जी को बचपन के शिक्षक दुबे जी ने रहीमन सुधा नाम की पुस्तक क्या भेंट की, एक अद्भुत कवि को ही जन्म दे दिया। 8 वर्ष की आयु में पहला दोहा लिखकर अपने प्रिय दादाजी को समर्पित किया। उस नन्ही से शुरुआत से जीवन भर उनकी लेखनी से सदियों तक लोगों को जीवन के प्रभावित करने वाले राजस्थानी और हिंदी भाषा के अनगिनत दोहे निकलते रहे। इतना पढ़ने का शौक था तो बचपन में, जैसे उनके लेख वगैरह में भी होंगे बहुत जगह की, स्कूल के टाइम पर कैसे कितने लेख लिखे, कितने प्रवचन उस वक्त ही देने लग गए छोटे में। उनका एक रूम पूरा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, पूरी लाइब्रेरी से भरी पड़ी थी, इतनी स्टडी करते थे। गोयंका जी की प्रतिभा उम्र के साथ खिलती रही। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिक सूझबूझ, नेतृत्व, उदारता, समाज सेवा का भाव इत्यादि गुण साफ झलकने लगे। मैट्रिक की परीक्षा में स्वर्ण पदक मिला। कॉलेज की शिक्षा की बहुत चाह थी लेकिन परिवार की आज्ञा मानकर व्यापार में लग गए और उसमें भी उनकी प्रतिभा उभर कर आने लगी। जापान के आक्रमण के कारण देश छोड़कर जाना पड़ा लेकिन वापस आकर उसी उत्साह और चतुराई से व्यापार में बड़ी सफलता पाई, साथ में समाज सेवा में भी चमके और शीघ्र ही वहां के भारतीयों के नेता चुने गए। अन्य संस्थाओं ने भी उनको अपना अगुआ बनाया। बढ़ती संपन्नता और सफलता अपने साथ कष्टदायी माइग्रेन की बीमारी, या कह लें जीवन के प्रथम आर्य सत्य दुख को भी लेकर आई। As I grew, at a very young age, I was successful in business, successful in society. So, lot of tension because of ego. Well, I am now such a successful person. And the migraine started coming with more frequency. Every 15 days, there's the attack, and very severe attack. अनायासी 1954 में वे धर्म के संपर्क में आए। उन्हें छठी संगीति में भोजन व्यवस्था का मौका मिला। अगले ही वर्ष एक मित्र के सुझाव पर अपने मन से जुड़े रोग से राहत की संभावना के बारे में जानकर वे पहुंच गए सयाजी उ बा खिन के द्वार पर। So I went to my teacher, Sayagyi U Ba Khin, discussed with him, and I told him I have come because Uchantun has sent me to you to get rid of migraine. He said, no, I won't take you. Go to some doctor. This is not the hospital. And then very compassionately explains me that you are devaluing Dhamma. Look, the Dhamma is to make you liberated from all sorts of misery, not just this migraine. Coming out of migraine is a very small thing for the technique for which you will be taught.
This is a byproduct only. Once you get this technique properly practiced, migraine will go away. But don't come with the aim of curing your migraine. I said, all right, I won't come for migraine. Forget migraine. But if you can give me a technique which will purify my mind, certainly I will come. And I went there. Goenka ji ne apna pratham shivir September 1 aur 11, 1955 ke beech sampann kiya. पहले ही दिन शिविर में से निकलने का मन बना लिया था, लेकिन किसी सदाशय की बात मानकर रुक गए। दूसरे ही दिन से साधना ने छलांग लगाई और पहले ही शिविर में बहुत कुछ पा लिया, यहां तक कि सयाजी को उनका विशेष ध्यान रखना पड़ा। रुक गए तो जीवन बदल गया। कोर्स वाज इंटरनेशनल मेडिटेशन बाय द टाइम द सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड. And there was one room or two rooms with attached bathroom, proper rooms. But my Sayagyi gave me a room. It was just 4 pieces of plywood, no window. The one door was only this plywood. And hardly 5 feet. When I sleep, I cannot spread my leg properly. And in front of it, a row of latrines. I thought, well, there is a good room there. It is vacant. Some important VIPs might be coming. That's why Guruji is not giving me that place all night. 1 day, 2 days, nobody is coming. 3 days, nobody is coming. I stay there. Later on, he told me, I want to crush your ego. So I gave you that. You are a leader of the Indian community here. You are a leader of the business people. You have got so much of ego in your mind. You must work there. And if you can work there, you will be successful. And I was successful. So that was the first course at आगे के 10 वर्षों तक वे आईएमसी में लगातार साधना और सेवा में रत रहे। 1964 में सरकार ने अचानक निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत कुछ छिन गया। लेकिन इस आर्थिक विपदा से अलिप्त गोयंका जी सयाजी से बुद्धवाणी सीखने में और उसे जीवन में उतारने में लगे रहे। पर्यत्ति और पटिपत्ति, थियरी और प्रैक्टिस में परिपक्त होते होते धर्म के मार्तंड हो गए। बिना बताए ही सयाजी गोयंका जी को धर्म की बड़ी जिम्मेदारी के लिए घड़ रहे थे। विपश्यना को ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैलाने की जिम्मेदारी। My first training was to give anapana and to give vipassana. Then suddenly Sayagyi says that Goenka, why we give courses only here in Rangoon? I would like to give course in up country somewhere. Can you arrange? Yes, sir, we can arrange. So a course was given in Mandi. Evening discourse. Sayagyi makes me, there's a cot there. Sleeping cotton, that becomes our dhamma seat. Sayagyi sitting and I am myself sitting. In the evening, Sayagyi said, now you give the dhamma talk. You can speak, all right, you speak. After 10-15 minutes again, he will prompt me. Now Vishakha, and I have to speak something about Vishakha. Now Anathpindak, I have to speak something. 1 day, 2 days, 3 days, and then it went. He was planning that I have to take gypsy camps in future. So I must be well trained for gypsy camps. Not just giving courses in the center. So one in Mandalay, one in Memeo. So that was a good preparation he made for me. And then, of course, when I came there, I remember, oh, that is why Sayagyi took me to all these places, to train me to give gypsy games. समय पकने पर धर्म के प्रयाण की घड़ी आई ही पहुंची। उन्हें अपवास स्वरूप भारत जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा मिल गए, ताकि वे अपने माताजी को धर्म सिखा सके और रोग मुक्त करा सके। 20 जून 1969 के दिन सयाजी ने प्रेरणादायी शब्दों से भारत विदा करते हुए उनसे कहा, मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओ और धर्म का प्रकाश फैलाओ। यही मानना कि तुम नहीं, मैं ही जा रहा हूं, धर्म जा रहा है। म्यांमार की जिस प्राचीन मान्यता के आधार पर महान धर्म संपदा को सहेज कर रखा था कि बुद्ध के 2500 वर्ष पश्चात धर्म पुनः जागृत होगा और जोरों से फैलेगा,
वह पूरी होने जा रही थी। शुद्ध धर्म की गंगा पुनः प्रवाहित होगी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। June 22, 1969 गोयंका जी की भारत की भूमि पर चरण रखना और धरती का कांप उठना। सयाजी की भविष्यवाणी फलित हुई। 2000 वर्षों के अंतराल के बाद लौटी विपश्यना का स्वागत करते हुए जैसे ही गोयंका जी ने कोलकाता के हवाई अड्डे पर पांव रखा, प्रकृति ने अपना मोद प्रकट किया। निश्चित ही यह सुखद शुरुआत थी, लेकिन आगे का मार्ग अज्ञात और कठिनाइयों से भरा था। अपने गुरु के आश्वासन के उपरांत गोयंका जी का मन स्वाभाविक आशंका से भरा हुआ था। तो जब आया तो पहली कठिनाई तो ये हुई कि कौन मेरा साथ देगा। ये तो गृहस्थ है, धोती कुर्ता पहनने वाला, ये क्या देगा हमें? कौन है हमारे पास? और वो भी आए 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए घर बार छोड़ के हमारे पास कौन रहेगा? और रहे भी तो कौन व्यवस्था करेगा? कहाँ 10 दिन का हम शिविर लगाएंगे? हमारे मन में आया कि यह भविष्यवाणी फालतू है, कभी होने वाली है। 15 दिन नहीं बीते कि विपश्यना का शिविर लग गया। कोई आगे खड़ा हो गया व्यवस्था करने के लिए, सारा प्रबंध करने के लिए। अरे विश्वास नहीं होता था, आ गया। फिर उसमें हमारी माता बैठी, हमारे पिता बैठे, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। July 3-13 भारत में हजारों साल बाद पहला विपश्यना शिविर बंबई की घनी आबादी वाली क्षेत्र में स्थित पंचायती वाड़ी में संपन्न हुआ। दूसरा शिविर शीघ्र ही मद्रास में। कानों कान बात फैलने लगी। आनंदित साधक अपने परिवारजनों को और मित्रों को कोर्स में जल्द से जल्द बैठने के लिए प्रेरित करने लगे और कोर्स लगाने के लिए तत्पर हुए। धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ। सयाजी का मार्गदर्शन पाने के लिए गोयंका जी प्रत्येक कोर्स की रिपोर्ट उन्हें भेजते थे। सयाजी भी शिष्य की सफलता का समाचार पाकर बड़े संतुष्ट होते थे। January 19, 1971 का दिन था। अचानक समाचार मिले कि सयाजी नहीं रहे। गोयंका जी बोध गया में कोर्स ले रहे थे। गंभीर चिंतन के बाद गोयंका जी ने निर्णय लिया कि वे अब बाकी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देंगे और अपना सारा समय केवल धर्म बांटने में ही लगाएंगे, अपने धर्म पिता का सपना पूरा करेंगे। जब उन्होंने परिवार को अपना निर्णय बताया तो उनको सहर्ष सहकार मिला। इसी सहकार के कारण वे अपना धर्म यज्ञ पूरा कर भी पाए। पत्नी माताजी इलायची देवी भी साथ देने म्यांमार से सितंबर 1971 में आकर जुड़ गई। उनको देखकर महिलाएं और बड़ी संख्या में विपश्यना शिविरों में आने लगी। गोयंका जी भारत के कोने कोने में कोर्स लेने लगे। शिविर लगाना आसान नहीं था। शिविर किराए या उपलब्ध कराई हुई जगहों पर लगाने पड़ते थे। स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गेस्ट हाउस, होटल इत्यादि जो मिल जाए। हर जगह की अपनी समस्या और कठिनाइयां। गोयंका जी इन सब का सामना करते हुए धर्म सुख बांटते रहे। Yeah, our first course. I registered, I filled out the application form, and they said, okay, this is your room. Somebody took me up and showed me, and it was a room about half the size of this room. Just the floor, like this, a stone floor, no mattresses, no pillows. And in the hall, it was the same, no sitting cushions. So whatever you had with you, that was what you slept on, that was what you sat on. And there was one water tap, one shower, and one toilet for about 30 or 40 women. So you get up in the morning, 4 o'clock, and you get on one line for the toilet, and then you get on another line for the shower. It was really rough, but nobody seemed to mind in those days.
So we were meditating in a tent on top of the building, and they'd set a tent up there. And so all of a sudden, this tremendous storm came. And it was a cloth tent, you know, they use for weddings and that type of thing. Wind started blowing, and it was really blowing. It was really raining. And the guys are all holding on to the ropes on the corner of the tent. And the wind's blowing the tent up. And they're pulling it down, and they're pulling it up, they're pulling it down. And it was so crazy. I mean, it finally got so heavy from the rain because it didn't have any weatherproofing on it, like canvas did, you know. And it just collapsed, and everybody's stuff was underneath, and oh my gosh, you know. The tent was gone, but here's Goenkaji at 6 a.m. chanting on the Dhamma seat with Mataji. So that was very inspiring to see that the Dhamma wasn't going to get blown away, that you could remove the tent, but Goenkaji was still there and he wasn't going to stop teaching. So they scrambled and put the tent back up, and we continued on. वहाँ देखा कि उन्होंने बनाया आश्रम मगर वो कच्चा था एकदम छत जो था ना पक्का पूरे सूखा भी नहीं था ऐसे लकड़ी जोड़ के उसके ऊपर ईंटा रख के ऐसे करके बनाया था मैंने देखा धम्मा हॉल तो मुझे तो डर से लगा फिर मैंने गुरु जी को जाके कहा गुरु जी वो धम्मा हॉल तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो आप जाके देख ले तो अच्छा हुआ उन्होंने देखा बोला नहीं होगा खेत में मट्टी उट्टी तोड़ के खेत जमीन था उसका वहाँ पर बनाया धम्मा हॉल गुरु जी के लिए एक तो बक्सा बक्से में कपड़ा बिछा के ऐसा करके गुरु जी उसमें बैठे तो इस तरह वो कोर्स पूरा हुआ The course was held in a building site, a multi-story building site in Calcutta, where it was an incomplete high-rise building with the concrete floors and the some of the walls. And just covered in concrete dust. And the people there had just finished, were just finishing sitting 10 days with Goenkaji. And the people we were meeting, who were old students, came out covered in concrete dust on day 10, having just had metta. And the food was sort of in some sort of open area on the ground floor. And it was quite incredible. Yes. शुरू शुरू में उन्होंने इतना कष्ट भोगा उन्होंने कुछ रहने का ठिकाना नहीं बाथरूम का नहीं फिर भी वो दम में उत्साह से काम करते थे जैसे भद्रेसर का शिविर हुआ और पहले दिन हमने ये ख्याल नहीं किया उनको जो कमरा दिया था वो उतरने के लिए पगते नहीं थी तो हमने पत्थर रखे थे जिस पर गुरु जी पैर रख नीचे उतरे ग्राउंड पर तो वो पत्थर ऐसा हो गया और गुरु जी को फ्रैक्चर हो गया पहले ही दिन ऐसा हुआ हम लोग तो घबराए अभी बुलाए इनको पत्थर अभी फ्रैक्चर हो गया है अभी आनापान कैसे देंगे और मुंह कैसे बताएंगे पर गुरुजी के मुंह पर जरा सा भी वो नहीं वो तो बिल्कुल आए लकड़ी में लेकर पहले इनको ले जाने वाले थे वो प्लास्टर के लिए पर उसके पहले मैं इनको आनापान दे दूँ तो उस पीड़ा में वो लकड़ी लेकर लंगड़ाते लंगड़ाते आए हॉल में आए और एकदम हाँ हा 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 करके हंसने लगे और हम लोगों को पीड़ा में आनापान देकर घुस गए और प्लास्टर लगा कर आए उस जमाने में ग्रीन कलर के बिस्तर टाइप के आते थे एक तरफ में तकिया और एक तरफ में कम्बल और नीचे पतला सा बिस्तर लगा के लपेट के उसको बेंटा बोलते थे वो बंद करके वो ट्रेन में घूमते रहते थे जब माता जी नहीं आई तब तक थर्ड क्लास में ट्रेवलिंग करते थे पूरा मतलब आप सोचिए दो बरस तक थर्ड क्लास में ट्रेवलिंग किए धर्म के रास्ते चले गए उनको तो सब चीज से जूझना पड़ेगा उसको तो शराब शराब सब आएगा एक तरफ कुछ तकलीफ आ रही है एक तरफ से शांति होता था दोनों बात चली गई सहने की भी ताकत मिलती थी स्थायी आवास के अभाव में साधकों की पूर्व जांच भी नहीं हो पाती थी कोई पूर्वानुमान न होने से जब साधना आरंभ करते ही विकार उखड़ने लगते कई कठिनाइयां उत्पन्न होती थी गोयंका जी असीम करुणा और मैत्री से इन सब कठिनाइयों को सफलतापूर्वक उठा लेते
घर की वो मुस्लिम मस्जिद किसी भी दिन एक हमारा रिश्तेदार कोई आया था, वो नागों की तपस्या करता था कुछ भी, उस जमीन में बैठा ऐसा वो नाग बन के आया, कितना दूर से चल के ऐसे नाग अपना सिर को फन मारता है ऐसे पाँव करते, जाने अभी क्या करेगा ये, ऐसा सिर्फ जमीन को मारता करता। फिर वो मस्जिद के ऊपर चढ़ गया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, और पत्थर उठाएगा तुम लोग को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। गुरु जी बिल्कुल वहाँ से बस मैत्री करते थे, घबराते नहीं, तो नीचे आएगा इतना बड़ा पत्थर उठाकर उनको गुरु जी के ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर डालकर अभी कुचल दूंगा, मारने वाला हूँ। और गुरु जी एकदम निर्भय, तो उसका पत्थर ऐसे गिर जाता। I was sitting two or three rows back on the aisle, and I was meditating with eyes closed, listening to the discourse, and gradually became aware of some vibrations in the ground behind me and the feel of footsteps. And I saw that a male student was marching down the aisle, waving his arms and shouting. He started to shout. He was shouting to Goenka, you're talking about suffering. Look at all these people suffering because of you. And he carried on and on, and he went right. He approached the Dharma seat very closely, and the course managers leapt up, tried to do something, but no, he wouldn't stop. And Goenkaji and Mataji just smiled benevolently, and Goenkaji indicated for him just to sit down. No, he wouldn't stop. Eventually, he turned around, walked out. The story doesn't end there, because during this course, a Dharma colleague of ours was recording the discourses. He found that he could splice the tape at the point where this tirade began and at the point where it left, and he joined the tape together, and Goenkaji's discourses rolled on without any, completely imperceptible break. So Goenkaji, after all that upheaval and commotion, had just carried on the discourse. And उस समय उपद्रव बहुत होते, हर एक शिविर में कोई धुनने वाला, कोई चिल्लाने वाला ऐसा रहता था। तो बाद में हमने गुरु जी को पूछा, जब गुरु जी पहले ऐसा क्यों होता था, अब क्यों नहीं होता है? गुरु जी ने कहा, जब मैं इस देश में आया ना, शुद्ध धर्म का तरंग नहीं था, जहाँ देखो वहाँ अशुद्ध तरंग थे, और ऐसे मेली विद्या लेकर लोग आते थे। तो गुरु जी आपको कितना स्ट्रेंथ पड़ा होगा? अरे मुझे स्ट्रेंथ तो थी, मेरा गुरु उ बा खिन वहाँ बैठा था ना, वो मुझे सहायता करता। इन प्रारंभिक कोर्सेज में गोयनका जी नियमावली के पालन में कुछ छूट देते थे, ये उनकी दूरदर्शिता थी, समय की मांग को उन्होंने ठीक पहचाना था। सेकंड डे, फोर्थ डे और सिक्स्थ डे मौन था खाली। Meant no talking, but writing notes was okay, gestures was okay, so we were fully communicating, we just weren't talking. उस कोर्सेज में सेग्रीगेशन का भी इतना नहीं था जितना अब है, मतलब महिला पुरुष एक दूसरे को मिल सकते थे। तो उस वक़्त 80 रुपये 10 दिन के कोर्स का भोजन का चार्ज होता था, सिखाने का चार्ज नहीं था। All of a sudden I see one man walking from room to room. Outside it was in the Burmese Vihar. And I said, what is he doing? I asked them, they said, oh, he doesn't have the 30 rupees. So he's asking for money to be able to pay the course. And then I heard that next courses, they had changed the system, and instead of having people walk and ask for donations, in the table where you make the, where you inscribe yourself for the course and where you pay the money for the course, they had a bowl with money. And all you needed to do is just take money from the bowl and finish paying.
I went there to pay, and all of a sudden I see Guruji's name, who also paid 30 rupees, as if he, who being the teacher, was paying his part. Goenka ji, आयोजन में योग्य व्यवस्था की कमी को ठीक से समझते थे और उसको देखते साधकों को लाभ भी हो और शिथिलाचार भी ना हो इसका संतुलन बनाए रखते थे. And we used to walk down to the gate and get by chiki at the gate. And peanuts. Maybe it sent somebody down to get gulab jamun at the market. One time I came back, I was walking back to my room and Goenka ji was walking down on his morning walk with Judla, and I had my head down in the bag behind my back, feeling very guilty. And Judla looked at me and said, "Any question?" And I went, "No." Just walked on. So I come back into my room, it's like 9:30, 9:45 at night, and I see these young Hindi guys getting dressed. No clean kurta. I said, "Where are you going?" He goes, "We're going to cinema." हमारे घर से 10-15 जने शाम को आ जाते थे हाँ मिलने के लिए और खाना वाना लेकर के पूरी पिकनिक जैसे होती थी. Well, it was one of the wilder courses that probably ever happened in the history of Goenka's teachings, I'm sure, because I mean there were a lot of crazy things in those days because there was a wedding. This woman from California, and anyway, they decided to get married, and they got married, and all of the women on the course, all the Indian women, they got this beautiful sari for her, and they dressed her all up. The Indian men, they got him all dressed up, and he had a turban and this fancy white pajama pants, and then there was a couple of the other students that were taking the course. They also were all dressed up, and they, in the middle of the course, like on day five or six, they all went out to this Hindu temple. But Guruji was so relaxed. You know, he had all these, you know, hippie type Westerners. Yet, you know, it was just all part of, you know, oh, they shouldn't be doing that, or they shouldn't be doing that, and you know, it was such a relaxed atmosphere. And he was just walking around at times. After a course, I remember in the middle of, I guess, a long course that I was sitting, I all of a sudden started remembering all of these things that we used to do, and I was mortified. I was just so embarrassed, and I went running to Goenkaji, and I said, "I'm really sorry, Goenkaji. I'm really, really sorry that we were just so bad." And he just laughed. He said, "Look, if I was as strict with you then as I am now, you wouldn't be here." इन तमाम कमियों और कठिनाइयों के बावजूद शुद्ध धर्म का लाभ लोगों को मिलता ही था और नए विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी. कई पुराने साधक पुनः पुनः शिविरों में बैठते थे और उनकी उपस्थिति का लाभ भी नयों को मिलता था. यह कोई आश्चर्य नहीं था. भारत में शुद्ध धर्म की साधना वर्षों बाद उपलब्ध हुई थी और ऐसे गुरु के माध्यम से जिसके व्यक्तित्व और चरित्र से सहज प्रेरणा जागती थी. हम लोग इकतपुरी जाते हैं तो हिल पे चढ़ रहे थे. मेरे पास एक प्लास्टिक का थैला था जिसमें मेरा एक शर्ट और पजामा था. तो ऊपर चढ़ रहे हैं, पैदल ही चढ़ रहे हैं, तो गुरु जी का, अरुण तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो थैला मेरे को दे. बाद में समझ में आया कि ये हर एक को गुरु जी उसी तरह से व्यवहार उनका रहा हमेशा. I was asked to meet him at the train station in Patanka. He was coming up to Dalhousie, so I go down to the taxi the night before and just waiting for his train. The train comes. He wants his tickets going back to Bombay, so he wouldn't have to deal with this later on. So he tells Mataji and I to just wait in the cab, and he went and stood in line for an hour at the Patanka train station, trying to get tickets. He couldn't get them. He said he came back smiling. He said, "Never mind." अहमदाबाद में शिविर लगा गुरु जी का 1972 में, जबकि मेरी उम्र थी 11 साल. लगभग 150 के करीब साधक थे और तीन चार ऐसे थे मेरी उम्र के. और गुरु जी हमको बुलाते थे, कभी कभी वो हमको स्टोरी भी सुनाते थे. गुरु जी खुद स्टोरी सुनाते थे. और वो शिविर जब पूरा हुआ तो मुझे बिल्कुल ही, मतलब, घर जाने को मन नहीं हो रहा था. ऐसा ही लग रहा था कि ये शिविर और लंबा चले.
Well, Goenkaji wasn't a guru who had a group of students around him, and wherever he went, he would arrive just as the course started, and then he would just disappear at the end of the course. And he would travel, he was alone, or maybe traveling with Yadav, or later on with Mataji, but he never had a cadre of students following him around. So he was very detached, always. When he was on the Dhamma seat, and if you had questions and were wanted to learn Dhamma, he had unlimited amount of time for you, but he had no time for gossip. He was a man of principles. Principles ko kabhi compromise nahi kiya. Auditorium mein pravachan chal raha tha. Then a message was sent by the chief minister ki he would like to meet Guruji. अगर वो रेजिडेंस पे आ सकें तो गुरुजी ने कहा भाई धर्म गुरु राजा के घर पे नहीं जाता है तो मैंने कहा फिर क्या उपाय हो उन्होंने कहा थर्ड प्लेस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो हाँ अजमेर में एक अजमेर निवासी व्यक्ति गुरुजी से पत्राचार किया कि हमारे यहाँ भी एक शिविर लगना चाहिए अजमेर जिले के एक तीर्थस्थल पुष्कर में एक धर्मशाला खोजी लेकिन शिविर में बैठने वाला अजमेर का एक भी साधक नहीं मिला हम लोग जब यात्रा के लिए निकले हमारे सामने की सीट पर एक सन्यासी बैठे थे स्वामी अखंडानंद उनका नाम क्या आप कोई साधना वधना करते हैं क्या तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं साधना करता हूँ और साधना सिखाता भी हूँ कल से पुष्कर में एक शिविर लग रहा है आप चलना चाहो तो मेरे साथ चलो शिविर अच्छा हुआ व्यवस्थापक जो थे वो स्वयं केवल सात ही दिन ठहरे उनको कोई मीटिंग के लिए जाना था और रह गए सिर्फ सन्यासी मैं और गुरुजी तीन आदमी 33 गुरुजी नौ आदमी की शिविर थी तो नौ आदमी की शिविर ले हुए गुरुजी ऐसा कि 100 चाहिए कि 200 चाहिए कि नहीं जितना है इतना बैठो मेरे पास है वो मैं आपको भी दूंगा जो बड़ा गुरु होता है इतना सिंपल होता है मैंने तो किधर नहीं देखा आई हैव नॉट सीन गोयंका जी अथक परिश्रम द्वारा भारत में शुद्ध धर्म की नींव फिर से डाल रहे थे और धर्म के संदिग्ध को स्वरूप के कारण उसके मंगल परिणाम भी भरपूर आ रहे थे गोयंका जी के प्रयासों के साथ पुराने साधकों का पुरुषार्थ भी जुड़ने लगा 1971 में मासिकी विपश्यना और 1974 में इंटरनेशनल विपश्यना न्यूज़लेटर का प्रकाशन होने लगा जिससे विश्व भर के साधक गतिविधियों से और आपस में जुड़ने लगे शिविरों का वातावरण सहज ही अधिक मंगलमयी और प्रभावी होने लगा था शिविरों में क्रमशः अनुशासन कठोर हो रहा था और साधक अधिक गंभीर भगवान बता दे आओ भिक्षु और भिक्षु हो जाते थे फिर भगवान ने 220 भिक्षु के नियम बनाए धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ी वैसे तो यहाँ जैसे जैसे धर्म एस्टैब्लिश होता गया वैसे वैसे गुरु जी ने थोड़े थोड़े नियम जैसे मौन का नियम पहले नहीं था फिर मौन का नियम स्ट्रिक्ट कर दिया गया सिंगल अकोमोडेशन का प्रेफरेंस दिया फिर मेल फीमेल का सेग्रीगेशन तो पहले से ही था तो अभी बहुत टाइट बना दिया तो इसी प्रकार का धीरे धीरे करके मॉडल और मॉडल सेंटर कैसे होना चाहिए ये निर्माण हुआ एक छोटी सी शुरुआत से कुछ ही वर्षों में धर्म की धारा विशाल नदी का स्वरूप ले चुकी थी 1969 और 1975 के बीच 122 शिविरों का आयोजन हुआ भारत के 11 राज्यों के 37 शहरों में निर्मल धारा धर्म की अब रुकने वाली नहीं थी इट इज ट्रू दैट व्हेन आई केम हियर बिसाइड्स माय फैमिली मेंबर आई मेड अ लिस्ट हुम आई नो हियर to send them information that I am here now, I am going to give a course. The number did not reach 100. It was just two figure number. And now, as I keep on saying, mere to do haat, dharam ke hazaron haat. I got only two hands. Dhamma has got thousands of hands. All these thousands of hands, they are working. It spreads. Yahi pasiko, when somebody tastes this, naturally starts helping. सयाजी उबाखिन का पूर्वानुमान था कि धर्म तीव्रता से फैलने वाला है और स्थायी केंद्र की आवश्यकता जल्दी ही होगी ऐसा समय आई गया कि अनेक साधक ऐसी जगह की शोध में लग गए महाराष्ट्र में इगतपुरी की भूमि चुनी गई
आनंद की घड़ी थी। धर्म के अनमोल रत्न को मानो उसकी मंजूषा मिल गई, धम्मगिरी। Not that we chose Igatpuri. Igatpuri chose us. I remember after giving my first course in Bombay, I went to Madras. So I went through Nagpur. Train stops before the station due to some reason for 10-15 minutes. And it was the month of July or so. And this big waterfalls here. I was so fascinated. Oh, if a center comes in a place like this, ah, wonderful. After 1 year, it so happened that in month of June or July, I came here for a course, and I see the same waterfall. Oh, this place I have seen. Oh, this was the place chosen. भूमि ग्रहण के समय धम्मगिरी में कुछ पुराने बंगलों के अलावा कुछ नहीं था। शिविरों के लायक बनाने के लिए सब कुछ ही निर्माण करने की जरूरत थी। अनुभव भी पहला ही था। ऐसे में गोयंका जी की सरल सी सीख थी, जो करना पड़े सो करो, लेकिन साथ में ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। काफी वेस्टर्नर्स कुछ आ गए, वो आकर के वहां रहने लगे, तो उन्होंने एक और अच्छी बात क्या की कि एक जना वहां पर 10 दिन का स्वयं शिविर करे। रिले में 10 दिन का शिविर हो गए, मना डे वन से वहां ध्यान शुरू हो गया। धम्मगिरी पर पहला 4 दिनों का कोर्स मई 1975 में लगाया गया। साधारण सी आवासीय व्यवस्था के रहते भी 76 साधकों ने भाग लिया। पहला पूरे 10 दिनों का केंद्रीय शिविर लगा 27 अक्टूबर 1976 से और उसमें 89 साधकों ने भाग लिया। तब से आज तक लगातार केंद्र का विस्तार होता रहा और आज एक ही शिविर में 700 जितनी बड़ी संख्या में लोग भाग ले सकते हैं। धम्मगिरी के साथ 2 और केंद्रों की पहल की गई। 1976 में हैदराबाद में धम्म खेत और 1977 में जयपुर में धम्म थली। जो धम्म थली में जो मेन इन्वॉल्व थे वो राम सिंह जी थे। उनकी एफर्ट की वजह से दिस लैंड वॉज अलॉटेड पहाड़ियों के बीच में। इट वॉज ए फॉरेस्ट लैंड। पहला कोर्स था, इट वॉज इन जंगल, सारे टेंट्स में था। इवन द धम्मा हॉल वॉज इन अ टेंट, किचन, एवरीथिंग वॉज इन अ टेंट। और उस वक्त जो इलाइट ऑफ द सिटी था वो भी उसमें बैठा हुआ था, विथ ऑल दैट, नो फैसिलिटीज, नथिंग, इवन नो फैंस इन समर। एवरीबडी डिडंट माइंड ऑल दैट थिंग। मेरे ससुर रतिलाल भाई मंजी भाई मेहता ने देखा कि ये तो बहुत ही ऊंची साधना है, तो उन्होंने कहा गुरुजी को, आप हैदराबाद में जो हमारी ज़मीन है उसमें से हम थोड़ी सी आपको लैंड है डोनेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप आश्रम बांधिए। पूज्य गुरुजी का पहला शिविर जब हैदराबाद में लगा तो श्री रतिलाल मेहता की फैक्ट्री में लगवाया। वहाँ पे उन्होंने एक अपने लिए कुटिया बनाई थी और साधना के लिए वो वहाँ पे चले जाते थे। तभी गुरुजी ने कहा, देखो बूढ़े बाबा, आपको ये कुटिया का बहुत मोह है, आप अगर इसको छोड़ेंगे तो ही मैं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप वो बोलो तो मैं ये भी छोड़ दूँ। केंद्रों की स्थापना के साथ ही अनुशासन संहिता का पूरा पालन करवाना अधिक व्यवहारिक बन गया। पूर्ण आर्य मौन अनिवार्य हो गया और भी बातों को ध्यान रखना संभव हो गया, जैसे कि केंद्रों पर छोटे से छोटे जीव को भी कोई कष्ट ना हो। इस बात पर गोयंका जी का बहुत आग्रह था। सर्वाधिक भार इस बात पर था कि सब कोर्स स्व इच्छा से दिए गए दान से ही आयोजित किए जाएं। इट वॉज पिंचिंग टू मी दैट आई टेक चार्जेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड देयर वाज नो अदर वे, एंड इट इज टू कीप द टेक्निक प्योर
by taking donation from our students, we are obliging them. When a student gives, he gives out of a volition that Dhamma should spread. And with that volition, he can't come and boss. He will be very happy to come and serve only. So the tradition is maintained in its pristine purity just because the donation is received as symbol of gratitude from the student to the tradition of Dhamma. Goenka ji is baat par bhar dete the ki kendra ka sanchalan sarvashreshth siddhanton ke anusar chale. In 76, when Dhammagiri started, the construction of his room had taken place along with the other necessary units, and there wasn't enough money to pay the contractor. So Goenkaji didn't use his own residence because it hadn't been paid for. He was living in the back of D dormitory with no toilet and an outside urinal for him. Now, one morning, I happened to be down at the men's toilet at about, for some reason, I was down there about 3:30. And here's Guruji standing outside the Western toilet. There was one Western toilet down there on the men's side. And I'm thinking, what's Guruji doing down here so early, right? I go about my business. Next thing you know, Mataji comes out of the toilet. He was guarding the door for her. They didn't have a toilet in their room. They were using the only Western toilet on the compound down there in the men's toilet block. And then request gaya ki aap bolo to hum thoda paisa ikattha kare. हम कर सकते हैं अब हम जग बोला कभी बोलना मत पैसा इकट्ठा करने का जो बोलेगा तो धर्म खोएगा फिर तेरे को धर्म नहीं मिलेगा जिधर पैसा आता है उधर पैसे का वर्चस्व रहता है जो ज़्यादा पैसा लाता है उसके तरफ गुरु की नज़र अच्छी जाती है नहीं लाता बिल्कुल भूल जाना जैसा तुम्हेरे में धर्म बढ़ेगा हमेरे में धर्म बढ़ेगा पैसा आते ही जाएगा अपने को लेने को नहीं जाना पड़ेगा और देख इधर तो जंगल था इतना सब हो गया मांगे बिना किसने दिया तब हुआ ना नहीं तो कैसा होता है तो कभी नहीं मांगना भूल चूक से कभी भी धर्म के लिए पैसा मांगने को मत जाना तो डोनेशन आए वो उसी चीज़ में जिसके लिए आया उसी पर यूज़ होना चाहिए या फिर वो एक्सेस है तो दूसरा एक्सपेंशन वगैरह में कहीं भी यूज़ हो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए वो ऐसे नहीं है कि ट्रस्ट का काम है तो रुपये की जगह सवा रुपया लगा दो कोई चेकिंग नहीं करें गुरु जी ने बताया कि फल होगा तो टोकरी में रख दो साधक ले जाएगा और उसका डोनेशन बॉक्स बाजू में रख दो कभी फल बेचना नहीं 10 वर्षों तक भारत में अनवरत कोर्स लगाने के बाद गोयनका जी ने विदेशों की ओर मुख किया पहला कोर्स फ्रांस में लगा तुरंत बाद कई कोर्स यूरोप कनाडा और यूएस में लगे वस्तुतः गोयनका जी के जाने के पूर्व से ही धर्म के बीज वहां रोपे जा रहे थे पुराने साधक अपने विविध प्रयासों से लघु शिविरों व्याख्यानों द्वारा शुद्ध धर्म की बात लोगों तक पहुंचा रहे थे इट वॉज अ नॉन सेंटर कोर्स वेरी स्मॉल प्लेस बट वेरी एक्सपेंसिव ओनली 40 पीपल कुड सिट But after the course, when I gave Dana, I asked how much rent it is. And then she said, $2,000 a month. I said, my goodness, who pays? A few old foreigners who could at that time teach English, they pulled together every month, 5 courses a year only. स्थाई पूर्ण केंद्र बने उसके पूर्व ही विश्व के कई शहरों में छोटे छोटे धम्म हाउस बनने लगे थे जहां साधना की जाती थी और धर्म की बात नए लोगों तक पहुंचाई जाती थी ऐसे ही एक प्रशंसनीय प्रयास में इंग्लैंड के साधकों ने ओक ट्री धम्म हाउस के माध्यम से धम्म संघ बनाया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और सहायता प्रदान की It was the contact address for Vipassana in the UK at that time. People from all over the world came through there and stayed weeks there at a time. We lived a communal, shared life together. We meditated morning and evening together. We had a lovely meditation room upstairs. We meditated. We were all young people and just starting out in Dharma. So, you know, we organizing the courses that happened in the UK. Goenkaji came and visited the house. विदेशों में धर्म फैलाने संबंधी एक कठिनाई और भी थी 1979 तक उनके बर्मी पासपोर्ट पर वे भारत के बाहर यात्रा नहीं कर सकते थे
ऐसे में उन्होंने सयाजी उबा खिन द्वारा शिक्षित अन्य विदेशी साधकों को प्रेरित किया कि वे इस परंपरा में कोर्स लगाएं। Mr. Hubbard and John Coleman and Mrs. Dennison learned a lot from him, and they kind of organized their courses much more on the way he did things, because they realized that he had kind of figured out a system for handling large numbers of students, and they followed pretty much how he did it. जो भी कारण रहे होंगे, शिविरों की मांग बढ़ती रही, लेकिन शिविर लग नहीं रहे थे। 1981 के पश्चात गोयंका जी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। गोयंका जी ने अपने आचार्य के पद चिन्हों पर चलते हुए धर्म में पके हुए योग्य विद्यार्थियों को सहायक आचार्य नियुक्त किया। 1982 के प्रारंभ होते होते पहले 8 सहायक आचार्य नियुक्त हो चुके थे और गोयंका जी के प्रतिनिधि के रूप में कोर्स लेने लगे। ऐसा पहला शिविर 1982 के मार्च में बोधगया के बर्मीज विहार में लगा और उसके संचालक थे नवनियुक्त बिल हार्ट। So before I left Dhammagiri, they did give me a plastic bag that was full with all sorts of different tapes of whatever was available. And at that time, they had recorded all his discourses. And on self-courses, we used to play Anapana Vipassana Metta. And I guess they had recorded the instructions throughout the day as well, and the morning chanting, of course. We didn't have the meditation hall. There was a group of Burmese pilgrims using the meditation hall, what was, I think, the library? Upstairs? Yes. So we weren't that many people. We crowded into the room where Goenkaji had done his self-courses for about 10 years. And that was our meditation hall. And the first day I played all the different tapes and we got to the evening discourse and the students had not yet all run away. They were still there. And the discourse ended and I breathed a sigh of relief. Okay, now just one sitting and then it will finish. So they came back into the hall after the break and I pressed the button on the tape player for the evening instructions. Nothing there. And I was completely unprepared. And Goenkaji had just met with the very first assistant teachers and had emphasized to them that when the tapes break down, you have to be able to jump in on a moment's notice. So I managed to figure out what I thought was the instruction for day one evening, and I gave the instruction. And then silence, and they continued meditating, and the time is passing. And then I'm thinking to myself, what happens at 9 o'clock? How do I get them out of the hall? And I guess I wasn't smart enough just to think, at 9 o'clock, I could say, okay, take rest. I thought, I have to do what Goenkaji does, which is chant Bhavatu Sabba Mangalam. सहायक आचार्य नियुक्तियों के साथ धर्म की और व्यापक सुलभता का मार्ग खुल गया, लेकिन विपश्यना की प्रभावकता उसकी शुद्धता में थी और उसके लिए जरूरत थी गोयंका जी द्वारा अपनाई गई विधि की एक समान सर्वत्र उपलब्धि। यह करना आसान नहीं था क्योंकि गोयंका जी सिद्धांत और समय के अभाव में स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं थे। एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग को शिविरों के दौरान ही करनी थी। कौन करेगा यह दुष्कर कार्य? हमेशा की तरह धर्म ने किसी को प्रस्तुत कर दिया। वे व्यक्ति थे थॉमस क्रिसमन। टीचिंग का फॉर्मेट तो वही है जो पहले था, ओरिजिनली था। उसका जो प्रेजेंटेशन जो आज वीडियो और ऑडियो से जो है, उसकी शुरुआत थॉमस ने की, गुरुजी के साथ छाया की तरह रखे और उसने सब टेप शुरू किए। और आज का जो फॉर्मेट है वो उस हिसाब से चल रहा है जो थॉमस ने शुरू किया। Bill was going to go back and teach a course at the Burmese Vihara in Bodhgaya. And I noticed he had a few little tapes. He had a Vipassana tape and an Anapana tape and maybe some discourses or something, but they were all just in a little brown paper bag. So I remember thinking, seeing Bill Hart sitting there waiting for his train, that how terrifying that must be for him.
to go and represent his teacher for the first time. Anybody has represented our teacher. And he had nothing but just a little brown bag full of a few tapes. And the rest of it he had to do himself. And I just imagine how terrifying that was. Guruji, se pehle, har stage pe, he took guidance from Guruji. And I had some experience in audio and video. And so I tried to talk to Goenkaji about allowing me to record his course in the summer when he came to the U.S. And at first he said no. He said, no, that would be much too distracting for the student, somebody running around and making all these distractions during the course and so forth. So I promised him that I would be quiet as a little mouse. 1982 से 1986 के बीच थॉमस क्रिस्मन के समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप सारे के सारे निर्देशों की रिकॉर्डिंग सहायक आचार्यों के लिए तैयार हो गई। गोयंका जी ने उनको जांचने के बाद निर्देश दिया कि भविष्य में यही रिकॉर्डिंग इस परंपरा में सर्वत्र उपयोग की जाए ताकि हर काल के और हर कहीं के साधक को एक समान शिक्षा मिले। And here is Goenkaji coming to India from Burma with the mission of getting Dhamma established in India so it could spread around the world. How else was it going to spread around the world unless the people who were here practicing were going to start conducting courses? And then, you know, fortunately, Thomas started recording, so we didn't have to know very much. Format ek hi hai, timing ek hi hai, to har aadmi ko malum hai ki us time kya hone wala hai. That makes things much easier. Aur mere khayal se, this is a unique example. Mere khayal se dusra example nahi hai ki the courses are held in such a way that the teaching cannot change. Agar live hota, kitna bhi kabil aadmi hota, वो या तो कुछ ऐड करता या सब्ट्रैक्ट करता एंड द होल मीनिंग चेंजेस तो वो एक लॉन्गर टिक सकेगा मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ दिस बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग्स इट प्रिवेंटेड द पर्सनालिटी ऑफ द एटी फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्वड विद द प्रेजेंटेशन सर्टेनली द एटी हैज अ रोल टू प्ले एंड आंसरिंग द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बट the constraint on having to rely on Goenkaji's wonderful presentation and obviously discourses, that it relegated the AT to a position where his personality and ego didn't get inflamed. इस recording के कारण ही आज भी गोयंका जी के सटीक निर्देश अनुपम दोहे कहानियां उदाहरण इत्यादि लोगों को वैसे ही प्रेरित करते हैं जैसे कि उनके समय में और भविष्य में भी करते रहेंगे I feel so happy. I'm 20 years old. Birthday party, big celebration. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Poor chap doesn't understand. He's 20 years nearer his graveyard. What happy? This does not mean that whenever your birthday comes, you start crying, I am nearer 1 year to be. Oh no, Dhamma does not teach you to cry. You understand the reality. This is the fact. Goenka ji किसी भी प्रकार की गुरु महिमा, चापलूसी, आडंबर इत्यादि के घोर विरोधी थे। वे बहुत हुआ तो कल्याण मित्र का संबोधन पसंद करते थे। उसमें केवल मित्र भाव था, गुरुपना नहीं। मानो इसमें भविष्य के लिए एक संदेश छुपा हुआ था। मित्र बनो आचार्य नहीं बुद्ध वॉज सो क्लियर दैट आई कैनॉट लिबरेट यू यू टू लिबरेट यूर सेल्फ आई कैन ओनली शो यू द पाथ इफ बुद्ध कैनॉट लिबरेट एनीबॉडी हु कैन लिबरेट ईच इंडिविजुअल हैज टू वर्क वंस ओन सल्वेशन समवन कैन शो द पाथ दैट्स ऑल सो वेन एवर इन एनी टीचिंग ऑफ धम्मा द टीचर सेज दैट आई विल लिबरेट यू देयर इज समथिंग रॉन्ग फॉर फ्यूचर ऑल्सो I keep on telling my student, if the teacher starts making this a business for one's livelihood, then the Dhamma will get spoiled. Dhamme nana vanikam chare. Don't make Dhamma a commercial item. So these two things one has to take care in future also. आचार्य से सहायक आचार्य के हस्तांतरण में ये ध्यान रखना जरूरी था कि कोई प्रकार की शिथिलता न आ जाए। गोयंका जी ने उनके लिए कठोर और विस्तृत आचार संहिता बनाई। जिससे कि लंबे अंतराल के बाद लौटी विद्या वर्षों तक अक्षुण्ण और पवित्र बनी रहे। Well, he was particularly concerned about three
three issues. One was to do with the golden rule, if you like, that teachers of Dhamma should never receive any kind of financial gain, financial remuneration. The second point was that the teaching should always be non-sectarian. It shouldn't have anything to do with any organized religion, including Buddhism. It should always be presented in a very non-sectarian. He was also very concerned that the courses should be run on a dana basis. There should never be any kind of charges made for the teaching. And these were golden guidelines he had received from Sayagyi, and this was the tradition coming down through the centuries. So, what did Guru Ji teach us? That if a sadhak, when we become a teacher, then the sadhak gives you a bed to sleep, then you don't have to take it. But if they reach the chot, you have to take it, then take it. If the thing comes to the center, then give it to the center. If the center doesn't work, you have to keep it. Then you have to keep it in its context. इसकी जितनी कीमत हो इससे थोड़ी ज़्यादा भी आप दान कर दें तो हमको ये सिखाया उन्होंने धर्म में कैसे जीना तृष्णा बिल्कुल नहीं अपने धर्म का सेवा के बदले में कोई भौतिक लाभ नहीं मैं जो सिखाता हूँ इस तरह सिखाती हूँ ना कि उनको अच्छा लगता है उनकी मुझे सिखाती हूँ तो इस तरह से धीरे धीरे दूसरों को अच्छा लगे ऐसा नहीं जो सिखाना है वो प्यार के लिए नहीं वो वाह वाह के लिए नहीं प्रशंसा के लिए नहीं ऐसे धीरे धीरे ऐसे जो जो प्रसंग आए ना तो धर्म के जो आदर्श थे वो इस तरह से हमें सिखाते जाते थे गोयनका जी कहते थे कि धर्म के मार्ग में प्रगति का कोई आसान तरीका है तो वह है अथक और निस्वार्थ धर्म सेवा ऐसे ही निस्वार्थ सेवक साधकों में से उन्होंने सहायक आचार्य चुने Do one course, two course, three courses, five courses, no problem. And serving also, sitting, like he says, was so important to sit there, hear people asking the questions, see Goenka talking seriously, see how he handled people, some people he was stern, some people he was very soft, some people he would be shouting and, wow, what happened? He was shouting at us sometimes. So all these years of experience, you know, just really gelled into, wow, yes, this is what I have to do. मैं 30 days का course खत्म ही किया था। बोला तुम serve करो। मतलब कि यहाँ खाना खाने आते हैं साधक नजदीक के, तो उनको खाना serve करो। तो समझ में आया कि कितनी problem आती है। खाने के लिए आता है, पर हम उनके सामने खड़े हैं, तो हम कैसे face करते हैं उसको? तो हमको क्या तकलीफ होती है? तो ऐसे ऐसे कई इंसिडेंसेस जब समझ में आए तब मालूम पड़ा कि क्या नहीं करना चाहिए क्या किस चीज से गलत हो सकता है किस चीज का ध्यान रखना चाहिए It wasn't like we went from zero to 100. I mean, we'd been there and seen Goenka Ji in many different situations, how he handled them so confidently. And you know, we'd managed, we'd cooked, we'd built, we'd helped look for centers, so do a lot of jobs. So, you know, it wasn't like we were coming in absolutely fresh. Seva hi se mahatvapurna hai. और काम नहीं मेरे को ये कि एटी बनना हमारे मन में भाव आया कि मैं एटी बनूं तो सेवा नहीं है उसको पद का और भूख है तरप्या एक शब्द भी दिया आपने भूख का मैंने पहल करना और कुछ नहीं कोई सेवा करे अरे मैं भी सेवा करूं मैं टीचर बन के सेवा करूं वो नहीं मैं भी सेवा करूं बस किस लिए मेरा प्रशंसा होगी मेरी कि मुझे कुछ लाभ होगा वो कुछ मन में ना आए बस मुझे सेवा करनी है ये भाव जागना चाहिए तो वो ही लायक होते हैं सेवा करने के लिए और एक ही बनने के लिए बाकी मैं एक ही बनूं और मैं ये सेवा करूं तो वो उसके अंदर अहम भाव है तो वो लायक नहीं होता है उनका यही था कि टीचर होने के नाते उनको मन में करुणा होना चाहिए जो आया है उसको लाभ हो से दुखी तो सभी है संसार में कौन सुखी है तो करुणा विशेष गुरुजी कहते थे कि टीचर के मन में करुणा होना चाहिए और उसके प्रति में उसके सहन शक्ति उसे अब भी नहीं समझ आता फिर समझेगा नहीं कि नहीं होगा आप इसको छोड़ दो ये नहीं होना चाहिए
ये धर्मदूत विपश्यना साधना को जन जन तक फैला रहे हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। The difference was that he said, you are assistant teachers. So there's the material. We are not teaching. We are just trying to not obstruct the Dhamma to get there. Obviously, he can't push all the buttons himself. He can't be everywhere at the same time. We had the good fortune to jump on that wheel. You know, we need it a lot more than it needs us. You know, and for Goenkaji to give us that opportunity to help him, he felt that he was still just assisting Sayagyi. Even now, I mean, when you speak to him now, everything he's saying is, this is because of Sayagyi. You know, he's just helping Sayagyi, we're just helping him. I said to him, what do you remember of Sayagyi U Ba Khin? And he didn't reply very much with any words, but I remember his eyes got rolled back inside themselves, and he went into a sort of a reverie of remembrance of U Ba Khin, and you could looking in his eyes at that time and seeing them kind of turned inward with a reverential, blissful feeling of his teacher. And somehow also that connected up, you know, having that like an opening into Goenkaji's mind, you know, was like a connection to all the line of teachers. And so, you know, there was a story that somebody had asked Sayagyi to compare himself to the Buddha. Sayagyi said, if the Buddha was the entire range of the Himalayas, I'm not even a grain of sand to the Himalayas. And then they asked Guruji to do the same thing. And he said, I'm not even a shadow to that grain of sand. So if you think of all of us sitting here, as hard as it is and as incapable as we may feel, we're very lucky. पटिपत्ति धर्म के मार्ग पर चलने की व्यवस्था स्थापित करने के बाद गोयनका जी ने बुद्धवाणी के प्रकाशन और प्रसार पर लक्ष्य दिया। गोयनका जी स्वयं के अनुभव से जानते थे कि पटिपत्ति के साथ योग्य परियत्ति का जुड़ना कितना लाभदायक है। इसी को लक्ष्य में रखकर विपश्यना विशोधन संस्थान VRI की स्थापना 1985 में की गई। मुख्य हेतु थे विपश्यना से व्यक्ति और समाज को होने वाले लाभ की वैज्ञानिक शोध, पाली भाषा सिखाना और विपश्यना के स्रोत त्रिपिटक का संशोधन। आज करके मेरे ख्याल से त्रिपिटक के हिसाब से ज्यादा उन पर्यत्ति पे ज्यादा उनका फोकस था कि इस पर रिसर्च होना जरूरी है, क्योंकि उसी कारण से ये जो फॉर्मेट है ये श्रीलंका में और अलग जगह पर एक्सेप्ट किया बिल्कुल लोगों ने, क्योंकि गुरुजी की एक्सपर्टाइज थी परियत्ति में भी। गुरुजी का ये ख्याल था कि इतना काम फैल रहा है तो एक सेंट्रलाइज जगह होनी चाहिए कि एक तो वहाँ जहाँ से मटेरियल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ धम्मा अवेलेबल हो, जो साहित्य है नया नया साहित्य गुरुजी ने रचना की है तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, वो ईजिली अवेलेबल भी हो सके और काम आ सके, उस पर्पस से VRI का फॉर्मेशन हुआ। पहला मुख्य काम था त्रिपिटक का प्रकाशन और भारत में से लुप्त हुई भगवान बुद्ध की अनमोल वाणी को पुनः व्यापक रूप से उपलब्ध कराना। VRI ने त्रिपिटक के विशाल साहित्य को देवनागरी लिपि में टीका और उपटीका सहित 140 भागों में प्रकाशित किया। इस प्रकाशन का आधार बर्मा में हुए छठे संगायन में बर्मी लिपि में तैयार किया हुआ त्रिपिटक था। दूसरा महत्वपूर्ण काम था सारे प्रकाशन को डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित करना और उसको 15 मुख्य भाषाओं में सबके लिए सुलभ कराना। ये त्रिपिटक गुरुजी ने हाथ में लिया, मैं गुरुजी आप बोलो तो मैं करा दूं, मैं तो प्रीति को बोलूंगा और वो करने को तैयार है और कैपेबल ऑफ डूइंग इट। इसमें दो शंका ने आपके फिर से बहुत बोझा कम हो जाएगा। प्रीति बहन सब चीज़ हाथ में लिया, आखिर टीम बनाई, सबको बर्मी सिखाया, सबको ये सिखाया, सबको वो सिखाया करके जबरदस्त टीम तैयार की और काम इतना हो गया कि गुरुजी की अजाई भी लगी कि गजब है। पाली प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त स्थान तो सुलभ नहीं था,
लेकिन फिर भी उसके महत्व को देखते हुए गोयनका जी ने कक्षाएं तुरंत प्रारंभ करने का आदेश दिया। आज तो ग्लोबल पगोड़ा में सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ पाली भाषा की कक्षाएं चलती हैं। Started this pariyatti, all the scriptures, Buddha's words and the commentaries and all that, and then we are seeing that what we are doing is exactly according to the words of Buddha. Of course, many people have translated wrongly because they have never practiced vipassana, so they can't understand the real meaning of some of the words that Buddha used. But when you practice, the words become so clear. And that gives a strength to us that we are doing exactly same as Buddha wanted us to. बुद्ध की मूल शिक्षा को व्यवस्थित रूप से युवाओं को परिचित और शिक्षित कराने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर VRI, MA, PhD इत्यादि कोर्सेज भी चलाता है। लघु कोर्सेज भी 2013 से चलाए जाते हैं। And by reading, I understood more the smaller steps. And I started also to read the Dhammapada. So every little step, I can understand much more. And how important it is to dissect and this and to go deeper. And I got so stimulated to do better meditation, more concentrated. पर्यत्ति की सुलभता बढ़ाते हुए गोयनका जी चेतावनी देते थे कि पर्यत्ति की तुलना में पटिपत्ति ही मुख्य है। सिर्फ पर्यत्ति से काम नहीं चलेगा, थियरी से काम नहीं चलेगा, पटिपत्ति साधना करोगे तब इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। पाली के पंडित हम लोग हो सकते हैं, पाली पढ़ा सकते थे, लेकिन जो जो ज्ञान बढ़ा गुरु जी के संपर्क में आने से ज्ञान बढ़ा अपने को। इन सती और संपजय का अर्थ मैं नहीं जानता, ये साधना करने पर मुझे पता चल गया कि क्या सती होती है, क्या संपजय होता है। देखिए, ही गेव ऑल इम्पोर्टेंस टू पटिपत्ति, बट देन ही सेड फॉर एडवांसमेंट स्टडी ऑफ पर्यत्ति इज ऑल्सो असेंशियल, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पटिपत्ति। शुद्ध धर्म स्वयं के अनुभव के आधार पर यही पस्सिको पर फैल रहा था, अब उसे फैलाने में प्रकाशन अर्थात पर्यत्ति का भी बल जुड़ गया। वर्ड ऑफ माउथ इज द वर्ड ऑफ रियल एक्सपीरियंस। Somebody experiences and tells others, well, I've experienced it, it's so good. But when we start advertising by these medias, then it becomes more a commercial publicity. And it won't have that effect. And moreover, we have our own limitation. These courses are residential courses. And there must be facility for people to stay and practice. From the time we started working, whatever facility we had is always full. And as the facility grows, more people come. If more people come and there is no facility, what is the use of this calling people by publicity? So as much people as they come by words of mouth, the facility is available, and that much is good enough. And like the slow widening of the circle is again the purity of it. प्रारंभ के वर्षों में विपश्यना का प्रचार आश्चर्यजनक था। जब जनसंचार के माध्यमों का उपयोग नहीं करना था, धर्म की बात फैलाने का एकमात्र साधन था साधकों के स्वयं के अनुभव और उद्गार। फिर भी केवल 6 वर्षों में 100 से अधिक शिविर लगे। We were in Bombay and I met a person, a woman who I had met in Goa. And we were discussing about different meditation techniques. She had just come back from a course and her face was just glowing. And I remember we were checking into the Stifel's Hotel and she said, just go and do this course. Yeah. So we packed our 3.5-year-old daughter. We went halfway across India in the luggage rack of a second or third class train. And we ended up in Sevagram, which was a Gandhi ashram. And fortunately for us, we had no idea. You know, we had no idea about anything other than this is where the course is and you used to go there. The early 70s, where an awful lot of Westerners were on a kind of a circuit running to Goa when it got too cold in the north, they'd go down, going here and there. And so the overland route was populated with Westerners traveling from Europe to India. So that network of people on the road, and the contact was always one face-to-face. It was always a one-on-one reportage of what a course was like. Well, you know, in those early days,
you know, the Western students who were sitting with Guruji, they became very inspired to want to help the Dharma in any way. And they tried to help get a Dharma established in their home countries, gypsy camps in Western country. And it just sort of snowballed, you know. People became more inspired with the success. And Guruji gave them all the encouragement to help, you know, help the Dharma spread and to reach those people who weren't able to travel to India. So it just evolved like that. And what we see today, you know, in just every country around the world, there are these courses being held. And it's been just a natural progression as this, as the Dharma spread out. समय बीतते साधकों की कृतज्ञता और मैत्री उमड़ पड़ी। कुछ ने पुस्तकें लिखी, जैसे कि बिल हार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्ट ऑफ लिविंग। कुछ ने आगे बढ़कर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई। इन सब से भी प्रसार में तेजी आई। People came to courses because they heard about it from somebody they know usually. There were hardly any news articles, and the only thing that was shot on video in our courses or of Goenkaji was the discourses. I realized if I want to help him so that the whole world will hear about it, it has to go through mass media, and mass media in those days was television or cinemas. प्रत्येक प्रयास अपने ढंग से विपश्यना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने में सहायक साबित हुआ। dhamma.org की वेबसाइट 1996 में शुरू की गई और VRI की वेबसाइट 1998 में। इनसे साधकों को एक ही स्थान पर सारी जानकारी देने में सुविधा हुई और उनके लिए प्रेरणा का एक और स्रोत खुला। So many factors that all needed to be there for the sasana to be revived, such as a common language, a world language had arisen, English, technology had come into existence that enabled the spread of Dharma, that instead of one person having to go around the world giving all these courses, the courses could be recorded and taped, and so many courses could be happening all over the world with this material. So I think it's remarkable that they all came together at that time to enable the spread of Dharma. So it, definitely not a coincidence at all. गोयंका जी ने लोगों को शुद्ध धर्म का मार्ग जगत में फिर से खुल गया। इस बात को फैलाने के लिए अनेकानेक शहरों, गोष्ठियों, सम्मेलनों में प्रभावी व्याख्यान दिए। 76 वर्षों की पकी हुई उम्र में 120 दिन तक कैंपर में रहकर US और कनाडा की लंबी यात्रा की, अनेक जगहों पर भाषण दिए और साधकों से मिले। इन यात्राओं के फलस्वरूप भारत और विश्व में साधकों की और केंद्रों की संख्या बढ़ती रही। पहले विदेशी केंद्र के निर्माण की योजना 1982 में बनी, अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में धम्म धरा। तत्पश्चात उत्तरी अमेरिका में शनि शनि 16 और दक्षिणी अमेरिका में 8 केंद्र स्थापित हुए। ऑस्ट्रेलिया का पहला केंद्र बना धम्म भूमि, जिसके पश्चात ओशियानिया क्षेत्र में 7 केंद्र खुले। यूरोप का पहला केंद्र धम्म माही फ्रांस में खुला और धीरे धीरे 14 अन्य केंद्र खुले। अफ्रीका का पहला केंद्र धम्मपता का दक्षिण अफ्रीका में 2005 में खुला। केंद्रों के अलावा बिन केंद्रीय कोर्स अफ्रीका भर में और अन्य देशों में लगी रहे थे। मिडल ईस्ट का पहला केंद्र धम्म पमोदा 2014 में खुला। रूस के साधकों के लिए धम्म दुर्लभा है। कई देशों में बिन केंद्रीय शिविरों के माध्यम से भी लोगों को विपश्यना सीखने का अवसर मिलता है। एशिया में 188 केंद्र हैं, जिसमें से सर्वाधिक
1988 भारत में हैं। म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, ताइवान, कंबोडिया, चीन इत्यादि प्रत्येक देश में एक से अधिक केंद्र हैं। विश्व भर में फैलते केंद्रों के कारण साधकों के लिए शुद्ध धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना सुलभ हो गया। वहीं गोयंका जी ने उन साधकों के लिए भी विशेष प्रयत्न किया जो लंबे समय तक लगातार ध्यान करने का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने 20, 30, 45 और 60 दिन के शिविरों के लिए उपयुक्त निर्देश और प्रवचन तैयार किए। इन लंबे कोर्सेज का भी साधकों को बड़ा लाभ हुआ है। साथ ही गोयंका जी ने छोटी अवधि के कोर्स भी तैयार किए जो साधना को गतिमान बनाने में सहायक होते हैं। धम्म तपोवन का निर्माण लंबे शिविरों के लिए विशेष रूप से किया गया। आज विश्व में कई केंद्रों पर छोटी और लंबी अवधि के कोर्स आयोजित किए जाते हैं। सौ से भी अधिक देशों में आज 2019 के मध्य में 197 स्थायी केंद्र और 137 अस्थायी केंद्रों से धम्म सेवकों की निस्वार्थ सेवा और लगन से सुचारू रूप से चलते हैं। सारे केंद्र VRI और dhamma.org के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और 55 भाषाओं में विपश्यना सिखाई जाती है। इस तरह विश्व के हर महाद्वीप में विपश्यना फैल गई। धर्म प्रसार के मार्ग में स्वाभाविक था कि कई कठिनाइयां भी आएं। प्रत्येक देश की, प्रत्येक केंद्र की और प्रत्येक कोर्स की अपनी विशिष्ट अड़चन। समस्या जैसी भी हो, मंगलकारी धर्म और सेवकों की निष्ठा ने उनका समाधान हमेशा ढूंढ निकाला। So the day we bought VMC, there was a large town meeting in Shelburne Falls, Massachusetts. They were all very concerned that we would be on the streets, wearing strange clothing, selling flowers, talking to their children, basically trying to take over the town. And we promised the authorities that we would be good neighbors, that we would not be doing the things that they were concerned about. Now it has been about 37 years. We have excellent relations with the town. One of the local officials even told us, he said, how we've become a very important part of the town. Well, we had so many, you know, with Dharma Bhumi starting right from the, but we have to, there's no, we, you know, in the West there, we have to dig our own ditches and do all the work. You know, occasionally they get in some contractor, but mainly it's the old students that are doing all the hard physical work, right? The building, the digging of the trenches, the everything. So, but people, it's just, it nearly becomes automatic, you know, I mean, people just want to serve, want to help, want to, you know, want the Dharma to spread. It seems to be nearly an automatic process. In this Kyoto Center, the government wanted to have a new road, and they wanted to build a big road. Right, in going through our center, it's just going to destroy the center. We can't continue. So we kept having these meetings with the government authority. And it seems at one point it was impossible. And I remember talking to Guruji, look, it just seems like we might even have to give up Dhammapada. And Goenkaji listened and he said, Dhamma will work. No. He wasn't worried at all. So it turned out in the end that instead of having the road right in the middle of the property, they shifted it to the end. And they cut the side of the mountain and they built the road there. It took a little bit of our land, but actually this old road, which was right in the middle of our property, that was became ours. कच्छ में आश्रम बनाना था, ऐसा केंद्र बनाना था। हम काफ़ी जगह सोचते थे, कोई अनुकूल नहीं आती थी। ऐसे करते करते
करीब 15 साल बाद इवे परिसर हुई तब तब एक जगह मिली। 5 महीने में वहाँ सेंटर शुरू हो गया। काफी दिक्कत होते हुए भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया कि 5 महीने क्रॉप निकाला, इतने देर में ड्राइंग्स वगैरह बनाया, ड्राइंग्स वो जगह बन गई थी तो हमने मशीन लगा करके ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिया। मजे की क्या बात है कि इनको रहने की कोई जगह नहीं थी, कहाँ रहे, खुला था, कोई मकान नहीं था, तो एक झोपड़ी थी चौकीदार की, तो वहाँ बाहर खटिया डाल के रहते थे। काफी डिफिकल्टीज आ गई उसमें, मगर हमारा काम चला और 1990 में गुरु जी वहाँ पधारे। समुद्र तट पे बैठ करके गुरु जी ने एक घंटा साधना की कि अरबी समुद्र तू वहाँ से धर्म का संदेश ले जा और देश पर देश इसको बांट दो, जन जन के हित के लिए बांट देश पर देश। There was a group who were taken by the by two monks who had done courses in Taiwan. They came back to Malaysia and told all the people in their temple, you must learn Vipassana. So 35 people, I think something like that, went with them to Nepal and sat the first course. At the end of the course, they saw a video that had been made in Dhammagiri about how to organize and serve a course. And they saw that video and said, oh, I think we could do that. So they all went back to Malaysia and rented a camp in a temple and invited one of the teachers from Nepal to conduct the first two courses. So they started organizing more and more non-center courses, and eventually they did get to, I think one year, 13 non-center courses in one year. They had to take all the equipment, all the mattresses. They even had a big commercial refrigerator. By then we had a Dhamma house in Kuala Lumpur, and downstairs was the storage of all the equipment, and upstairs was a group sitting place. But downstairs we kept all the equipment, and they'd get a big truck for every course, load everything into the truck, and all the old students would come and help with the loading, and then take it 3-4 hours to the course site, unload everything, set up the site. Sometimes there was no kitchen. A lot of work for all those gypsy courses. It took a long time to get a center in Malaysia again. जिम्बाब्वे में कोर्स लग रहा था, 20 आदमी थे, हमारा मिनिमम 20 पीपल हो तो ही कोर्स लगे, पर फिर कोई कम हुआ, कैंसिल हुआ, तो 10 लोग हुए, तो गुरुजी के अनाउंस किया हुआ कोर्स कैंसिल नहीं करना। तो यहाँ से वो तलवार जी थे, तापलिया जी थे, अपना खुद का खर्चा करके जाते थे, तो कि वहाँ से हमने एक टीचर अपन यहाँ से इंडिया से भेजे, उन्हें कहा खाना बाहर से आता था, वो भी परमिट किया, नॉन साधक थे वो भी किचन में रहेंगे तो रहेंगे, तो ये इस करके धर्म चखे। When the first course in Israel happened, were 70 some students. Later on, courses started happening as we could give them. I mean, the demand was always strong here. Not enough Dhamma workers who set the courses and could provide more courses. And so I used to come here periodically and help organize more and more courses through the years. About 9 years after we had gypsy camps, we realized the thirst cannot be quenched in Israel. We have to rent a place where we can actually give 25 courses a year. We didn't have the money to buy a center or buy a land. And so we rented a place in the desert, a cheap place. The accommodations were poor. The more courses we provided, the more the demand grew. For over 10 years, we managed to operate a gypsy center, a place that was rented, but was actually operated like any established center in the world, giving full-on courses. And so more generations of meditators grew and started serving Dhamma. And when we purchased the land near the Sea of Galilee in Israel, was again a problem of money. We didn't have money. We went to Goenka ji. He was always optimistic, and he was always telling us it will be solved. You will have a center. He was very happy with the site that we found, the name that he gave the center, Dhamma Pamoda,
Pamodam is happiness. We had been holding courses at this one student's house for the last 10, 12 years. The main volcano in Hawaii blew, and the place where we were holding these courses was just inundated and everything. We lost every single thing we had. But what happened was that the students rose up, well, we're not going to let this stop us. And they got together, and now we have two courses scheduled for March of next year. So we're rising from the fire, or the phoenix. We're the phoenix rising from the fire. The first course was organized in Latin America, where the only two servants to serve that course in Panama. So it happened that very important people came to sit that course, wives of government people. So it was a very, very complicated course, and I'm sure in many senses failing the minimum standards. To such an extent that in one of the early days, one of the women leaves the course and tells her husband of her friend, who her friend was sitting the course, and she stayed. And she tells the husband of, who is one of the Supreme Court judges, that your wife is sitting this course and it's all a set and it's all crazy and things are not working well. The food, the timetable, the discipline, everything is totally incoherent. The husband is very shocked. Oh, my poor wife, I have to save her. So he being the judge of the Supreme Court, calls the police and has the course stopped and interrogate the students. And they did that twice. But still the course continues until day 7. The people leave with metta, very happy, as a 7-day course instead of a 10-day course. Till last year we had 8 centers, you know. So this year we have 13 and a half, right? You know, what is half? You know? Half is a unique center. We are, you know, just decided, you know, that we may have. You know, that's a bhikkhu center. ज़्यादा धनी देश नहीं है, गरीब देश है. तो गरीब देश होते हुए भी 12-14 सेंटर अभी हमने सुने, आज ही सुने हैं कि माउंट एवरेस्ट है, उसके बेस के आसपास एक सेंटर बन गया है और उसका नाम धम्म सागर रख दिया, क्योंकि सागर माथा नेपाली नाम है एवरेस्ट का. तो इस प्रकार जो है फैल रहा है. इस विशाल और तीव्र गति के फैलाव के पीछे क्या कारण थे? मुख्य तो विपश्यना की तकनीक, जिसका आधार सब पर एक समान लागू होने वाला धर्म का प्राकृतिक स्वरूप. दूसरा, गोयंका जी की जतन और करुणापूर्ण प्रस्तुति और संचालन, जिनमें जाति, सांप्रदायिकता, देश, धार्मिक मान्यता इत्यादि कुछ भी बंधन नहीं बनता था. टीचिंग इतनी पावरफुल थी कि वो स्प्रेड हो गई. नो, वी टॉट इट एज अ वे ऑफ लिविंग. It had nothing to do, in fact, it has nothing to do with religion. What appealed to me as a young analyst and a financial journalist was that here was Guruji saying that your experience is the only truth. I was not expected to come here with any beliefs or preconceived notions, no dogmas. And that, to a young mind, was very appealing. Basic message there which resonated with both Westerners and Indians, maybe in different ways, but it was a basic message that this is something universal and non-sectarian. Many households are practicing Vipassana more and more now, and we all owe it much to Guruji. Yes, his discourses are always so inspiring and so reasonable. You have to be very reasonable, you see. Otherwise, especially young people can be very rebellious. They have to see the reason. They have to understand. Once they understand, more than half the problem is solved.
2012 में गोयनका जी ने एक और बड़ा निर्णय लिया, हर किसी को आनापान की साधना सीखने की छूट। इस कारण एक विशाल वर्ग जो 10 दिनों का शिविर नहीं ले पा रहा था, धर्म से अवगत होने लगा और उस अनुभव के आधार पर अधिक लोग शिविरों में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। Dhamma have to spread now. It has started. It is just a beginning. A few drops in the ocean, it will spread, no doubt about it. Every village or every district has got a school, a hospital. Similarly, a time will come when every village, every district, every city will have meditation centers, Vipassana centers. It is so necessary for the society. धर्म के अविरत फैलाव के पश्चात सदियों तक कायम रह सके और बुद्ध की वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सके, ऐसे एक भव्य स्तूप के निर्माण की योजना बनाई गई। भव्य स्तूप निर्माण हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है। महापरिनिब्बान सूत्र में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से बुद्ध की शरीर धातु को साधकों के मंगल हेतु किसी महानगर में निर्मित स्तूप में सन्निधानित की जानी चाहिए। धातु के नीचे ध्यान करना ही सबसे मंगलकारी है। इसी पावन परंपरा में दान में मिली बुद्ध की धातु को सादर स्थापित कर सके, ऐसे ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में किया गया। In India, where there is a lot of misconception about the Buddha, he had this incredible idea of building a monument that it will draw so many people because of this phenomenal structure. And then when they are there already, they can learn about the Buddha. They can hear about the Buddha. They can see in the gallery his life story over paintings. गोयनका जी ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे एक साथ कई लक्ष्य पूरे हो सके। इसके निर्माण में पत्थर के गुंबद निर्माण की प्राचीन तकनीक और आधुनिक निर्माण सुविधाओं का सम्मिश्रण कर बिना स्तंभ का भव्य गुंबद नुमा पगोड़ा बनाया गया। इसके विशाल कक्ष में 8,000 साधक बैठकर ध्यान कर सकते हैं। So that people can meditate inside was Sayagyi's idea. He just made a grandiose structure where thousands of people would be able to sit together and meditate. And that was a very important part of global pagoda, the practice. Iska aakar Myanmar ke vishwa prasiddh Sayagyi U Ba Khin jaisa chuna gaya taki Bharat apne khoye hue ratna ko lautane ke liye Myanmar और सयाजी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके। इसके निर्माण की घोषणा भी उसी महान धम्मदूत के जन्मदिन को 1997 में की गई। 2009 में उद्घाटन के बाद से लाखों की संख्या में यात्री इस भव्य और अनूठे पगोड़ा को और उसकी आकर्षक बर्मी सजावट देखने आ चुके हैं। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा से अवगत होने के साथ कई यात्री यहाँ पर आना पाना भी सीख कर जाते हैं। बहुत बड़ा खर्च था तो हमने सब बात किया कि गुरुजी ये अपने गज्जे के ऊपर से काम लेते हैं तो कैसा होगा, बताते थे कि देखो अपना दृढ़ निश्चय होगा ना तो होगा ही, इसमें होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर निश्चय अभी तुम बोलते हो ऐसा ढीला कर देगा ना तो नहीं होगा। और जो निश्चय से गुरुजी ने किया, जो फाइनेंशियल मुझवण कभी कभी आती थी तो कैसा निकल जाती थी वो मालूम नहीं पड़ता। गुरुजी ये बोलते थे इसमें कि जो आदमी सच्चाई से कम करता है, किसके लिए खराब नहीं करता है, किसके लिए सबके लिए अच्छा ही इच्छता है, वो अगर मनोबल करे कि अगर मैं ये किया वो सब बराबर आए तो ये मेरा काम होना चाहिए, ऐसा 3 दफे तुम बोलो वो काम होते ही रहेगा। पर
पगोड़ा का हर पहलू धर्म के किसी न किसी अंग का प्रतीक है और आगंतुक को 8 अंग वाले शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पगोड़ा का निचला चौड़ा भाग दुख का द्योतक है। अष्टकोणीय भाग शील दर्शाता है। घंटाकार समाधि और शीर्ष भाग प्रज्ञा दर्शाता है। पगोड़ा धर्म का भौतिक प्रतीक तो है, लेकिन बुद्ध धर्म और संघ का सच्चा प्रतीक तो इसमें बैठा ध्यानरत साधक ही है। साधकों के धर्ममय जीवन और उत्साहपूर्ण प्रयासों से शुद्ध धर्म का प्रभाव समाज के हर भाग में होने लगा। But when we have to improve the society, we can't forget individual. Man matters most. And when we have to improve the man, then we can't forget the mind. The mind has to be improved. And for that, Dharma is the only remedy. No other remedy is there. And Dharma also applied Dharma. Vipassana का प्रभाव इतना व्यापक इसीलिए है क्योंकि इस साधना से व्यक्ति के स्वभाव में और जीवन में परिवर्तन होता है। गुरुजी was सही माने में fatherly figure to all of us. उन्होंने हमें साधने के जरिए बहुत कुछ सिखाया कि कठिनाई के समय में भी आप कैसे तटस्थ रहेंगे। उससे मेरी लाइफ में शांति बढ़ गई और मेरा परिवार के साथ दूसरे लोगों के साथ जो संबंध थे वो संबंध में भी बहुत बदलाव आया और कोई टेंशन तो है नहीं। तो हम ऐसा एहसास करते हैं कि एक जीवन जीने की कला जो हमको नहीं मालूम थी वो ये साधना के जरिए हमें मालूम पड़ा कि अपनी लाइफस्टाइल हम कैसे खुद हम कैसे बदलाव कर सकते हैं और सुख शांति के समीप हम जा सकते हैं। भले मेरा एकदम गुस्से वाला स्वभाव था, कॉन्ट्रैक्टर आप समझते हैं कैसे होते हैं, ऐसा गुस्से वाला स्वभाव था, मगर धीमे 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 ऐसा कि मेरे पास जो काम करने वाले आदमी थे ना वो जैसे कि घर का आदमी कैसे होते हैं, परिवार जैसा हो गया। I had a very wild life before that. So I came out from very heavy Western partying and alcohol and drugs and everything. But I knew it would, even before I did the course, I knew it would change my life. I knew this would make the difference. So even in that course, the alcohol left. हर वर्ग के व्यक्ति शुद्ध धर्म की शिक्षा अपनाकर अपने जीवन में क्रांति ला पाते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं और सहज ही अपने वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। यह निश्चित हो चुका है कि विपश्यना न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है वरन कई व्यसनों से और बुरी आदतों से मुक्ति भी दिला सकती है। कई देशों में विपश्यना साधना का उपयोग नशे की लत से मुक्ति के लिए, युद्ध की भयानक स्मृतियों से मुक्ति दिलाने के लिए इत्यादि के लिए किया जाता है। वीआरआई समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लाभ पर स्वयं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलुरु के साथ शोध कार्य करता है। कई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे गुरुजी ने साइकेट्रिस्ट लोगों के लिए, विगतपुरी में हुई थी, उसमें इनवाइट किए गए साइकोथेरेपिस्ट साइकेट्रिस्ट और उनके अपने अपने अनुभव उन्होंने बताया कि भाई विपश्यना से लोगों पे क्या प्रभाव होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उस वक्त डिप्रेशन के केस बहुत आते थे जो गुरुजी कंडक्ट कर रहे थे, अभी भी आते हैं, तो उनको कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन गुरुजी हमेशा बहुत ध्यान रखते थे कि लोग अपनी बीमारी को ठीक करने नहीं आए क्योंकि वो गलत रास्ते पर चले जाएँगे।
पिछले 50 वर्षों में विपश्यना ने छिन्न भिन्न समाज को जोड़ने का अद्भुत काम किया है। विपश्यना शिविरों में हर जाति के, वर्ग के, वर्ण के, आर्थिक स्तर के लोग एक साथ बैठकर बिना किसी भेदभाव के ध्यान करते हैं, रहते हैं और सेवा देते हैं। हर संस्था में बड़े लोगों को देखा जाता बेटा, है ना? कोई मिनिस्टर है, कोई लीडर है, कोई मतलब एग्जीक्यूटिव मालिक है, कुछ है, उनको आगे बिठाया जाता है। मगर ये धर्म के जो तपोभूमियाँ जितने हैं वहाँ पर उसको नहीं देखते, कोर्स देखते हैं, कितने कोर्स किए हैं, कितने कोर्स किए हैं, उसके अनुसार उसको आगे बिठाते हैं। तो ये धर्म की मान हुई ना, धन की नहीं। व्यापारी और पेशेवर लोगों का एक ऐसा वर्ग है जिसे बहुत लाभ हुआ है। In businesses, nothing is permanent. I mean, if success is not permanent, good times are not permanent, so are bad times not permanent. Either you are worried about the past or you are anxious about the future. And anxiety and worries bring stress. The management programs give you skills and Vipassana gives you wisdom. And the higher you go in the organization, you can hire skill, you cannot hire wisdom. So I think it's unique. My top executive team, I sent everybody of them to do a Vipassana camp. Their performance improved, their quality improved, their human relation and behavior and teamwork, that improved. So this greatly helped me in building up a better team of my management. जिन संस्थाओं में कई विपश्यी साधक होते हैं, वहां का वातावरण ही शांति और सौहार्द से भर जाता है। ১৯৭২ के आसपास गोयंका जी महान संत विनोबा भावे से मिले। विनोबा जी ने कहा, अगर विपश्यना का प्रभाव बच्चों और कैदियों पर साबित होता है तो मैं उसकी महानता को स्वीकार कर लूंगा। सम्राट अशोक के काल का साहित्य लुप्त हो जाने के कारण विनोबा जी को यह ज्ञात नहीं था कि उस काल में कारावासों में विपश्यना नियमित कराई जाती थी। जो छोड़ने लायक हो उनको सुधार कर छोड़ा जाता था, जो छोड़ने लायक नहीं हो, दंड देना हो तो भी जितना सुधर सके उतना सुधार करके उनको दंड दिया जाए, मृत्यु का दंड दिया जाए। कितना बड़ा परिवर्तन! और ये विद्या ऐसी है कि परिवर्तन आता ही है, काम करे आदमी तो परिवर्तन आता ही है। राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह सचिव श्री राम सिंह जी के अथक प्रयास से जेलों में पहला कोर्स अक्टूबर 1975 में जयपुर सेंट्रल जेल में लगा। शिविर लगा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मृत्युदंड दिया गया, तो वो एक एक सॉलिटरी सेल में बंद हैं। शाम को जो प्रवचन होते थे उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, तो वो लोग अब वो जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कहा, सरदार था वो, कि कहा, गुरु महाराज जो कहिए कि हमको यहाँ आकर कुछ सिखा दे, कितना सीख पाएगा। लेकिन अब बेचारे को मृत्यु दंड मिला है, कुछ दिनों के बाद तो इसे फांसी होने वाली है। तो गया मैं उसे सिखाया, बहुत व्याकुल। जिस आदमी को मृत्यु दंड मिला, सोच के देखो उसकी मन की कैसी अवस्था होगी, कितना व्याकुल, कितना व्याकुल। उसे आनापान दी और ऐसा हुआ, तीन दिन के बाद तैयार हो गया, विपश्यना भी दे दी। अब बताते हैं जिन्होंने उसे फांसी पर ले गए लटकाने के लिए, इतना मुस्कुराते हुए जाता है, अरे हमारा परलोक सुधर जाएगा, हम मरने से डरने वाले नहीं। कितना बड़ा परिवर्तन आया, कभी ये देश में होता था इस प्रकार? जयपुर और वडोदरा की जेलों में सफल कोर्स लगने के बाद एक विशाल कोर्स भारत की सबसे बड़ी जेल तिहार में लगा। इस ऐतिहासिक शिविर में 1000 कैदियों ने भाग लिया और उसका संचालन स्वयं गोयंका जी, माता जी और 13 सहायक आचार्यों ने किया। उन्होंने कहा, एक बात का ख्याल करना है, जो इनमेट्स को भोजन वगैरह मिलता है आपको वही भोजन करना है,
कुछ भी बाहर से मंगवाना नहीं है और आप कुछ लाए हो तो उसका भी उपयोग नहीं करना है। इस बड़ी सफलता के कारण आज भी यहाँ नियमित रूप से विपश्यना कोर्स लगते हैं और सुखद परिणाम आते हैं। इस अत्यंत सफल कोर्स पर एक सराहनीय फिल्म डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना बनी और विश्व के कई जेलों में विपश्यना अपनाए जाने का कारण बनी। We came in with the blessings of Kiran Bedi, the chief of Tihar jails, who they adored and admired. It was the last day of the course in Tihar that we met Mustafa, the Somalian meditator, asked him to sit for an interview. And as he was talking about his experience in Dhamma, we realized we have a film. We met during time doing Vipassana. It was a success. It drew many people to Vipassana. तिहार जेल के अनुभव के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कि भारत भर की जेलों में विपश्यना सिखाई जाए। आशीर्वाद जेल में 74 कोर्सेस हो गए चार साल में, वहाँ जिनके कोर्सेस हो गए थे रोज प्रैक्टिस चल रही थी। हम लोगों ने उस समय उनको टेप रिकॉर्ड दिए थे, जब उनका सनसेट के बाद उनको बंद कर रहे थे उसके अंदर वो रोज रात में वो डिस्को सुनेंगे, चैंटिंग सुनेंगे। ऐसे एक बैरक में वो 70-80 लोग रहते हैं तो उसमें से मिक्स रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, जिन लोगों ने कोर्स किया सभी लोग एक बैरक में रखो ऐसे 70। तो क्या कि हम लोग फिर सिगरेट नहीं पियेंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, ये करेंगे और रात में बैठ के ध्यान करेंगे करके। तो वो आई जी को अच्छा लगा तो हमें ऐसे बैरक दे दी थी। फिर हम लोगों ने ग्रुप सीटिंग लिए, सब कुछ था, टेप रिकॉर्डर लगा के अंदर करते थे। इससे अच्छा था कि वो जो गार्ड है ड्यूटी पर वो खुश थे, तो वो केवल प्रवचन सुन के कि उसकी ड्यूटी है तो वो बाहर बैठ के प्रवचन सुनते थे, उसने आके कोर्स कर दिया। विश्व के कई देशों की जेलों में उसके लाभदायक परिणामों के कारण विपश्यना सिखाई जाती है। राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल करते हुए जेल और पुलिस अधिकारियों को विपश्यना सिखाने का निर्णय लिया। कई राज्य सरकारें प्रशासनिक सुधार के लिए भी अपने अधिकारियों को विपश्यना शिविर में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करती हैं। बचपन के संस्कार दीर्घकालीन होते हैं। Helps them with all the usual teenager issues of being able to not be subject to peer pressure, not be able, you know, be able to be confident with who they are and recognize the difference between wholesome and unwholesome acts. 1984, Aparna Toshniwal, a girl from the 8th standard. She did her first 10-day course, and when she came back, she wrote to Guruji after 2 months and said, "Why don't you have a course for children? A little playful, a light course." And that is how the idea was given to Guruji. It was after 2 years, in April 1986, that the first course took place in Jamnabai School in Mumbai. पहले कोर्स की सफलता के बाद बच्चों के शिविर भारत में कई राज्यों में लगते रहे हैं, विशेष रूप से गुजरात राज्य में। हमने एक प्रयोग शुरू किया, एक तालुके को लिया, उसके हर एक गांव की हर एक स्कूल के हर एक बच्चे को आनापान एक दिन के 5 घंटे के शिविर में सिखाया और गुरु जी को रिपोर्ट लिखा कि 75,000 चिल्ड्रन हैव बीन टॉट इन वन डे कोर्स इन कच्छ। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने VRI के साथ मिलकर मित्र उपक्रम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को आना पाना सिखाया जाता है। मित्र MITRA माइंड इन ट्रेनिंग फॉर राइट अवेयरनेस, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में अराउंड 65,000 स्कूल्स है जो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक है, तो उसमें से सभी स्कूल में चला गया है, तो उसमें उनके भाषा में उनको सील देते, समझा देते, और फिर वो रोज सुबह स्कूल स्टार्ट होती है 10 मिनट और स्कूल का समय 10 मिनट, वो सभी उधर शुरू हो गया है। भारत में सफल शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों में भी ऐसी पहल की गई।
So we took the material for the mitra that they use in India, and we developed what we call the mitra pack. And we've made this pack available to any meditator who is a school teacher. धम्म सेवकों की एक समर्पित टीम बेघर और वंचित बच्चों और वर्गों के लिए नियमित रूप से विपश्यना शिविर लगाती है। इसी प्रकार सात दिवसीय किशोर शिविर भारत, म्यांमार और नेपाल में नियमित तौर पर लगते हैं। विपश्यना का डंका बज चुका है। विपश्यना का डंका वाकई बज चुका है। सयाजी का सपना पूर्ण हुआ। 1969 में भारत आगमन के समय से गोयंका जी का साथ देने और शुद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाने के लिए अनेकानेक लोग जुड़ते गए हैं। फिर भी यह केवल प्रारंभ ही है। विश्व शांति से भरा है और सच्ची शांति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी शांति के लिए जिम्मेदार बनेगा और शांत होना सीखेगा। विपश्यना के सेवकों और शिक्षकों के लिए यह बड़ा लक्ष्य है। There is a saying that India lost Dhamma after 500 years, but that you can lose it after 500 years, first you have to preserve it for 500 years. देखिए परिवार जैसे बढ़ता है तो थोड़े बहुत differences तो आते ही हैं, लेकिन अगर basic values strong हो और लोग उसको follow करें तो गुरुजी ने जो कहा है ना कि daily practice जरूरी है। अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चैलेंजेस बहुत मुश्किल नहीं है। साधना छूट जाएगी तो मार अपना काम करेगा। तो एक ही उपाय है कि हम अपनी प्रैक्टिस पे बल रखें, ये भरोसा रखें कि धर्म जो कुछ करेगा अच्छा करेगा, और धर्म ही हमारा सहारा है, और गुरुजी को एग्जांपल रख के करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, निकलती जाएंगी, चलता रहेगा। Very clearly, he said, you people are the road sweepers. You're cleaning a path for Dhamma. So sometimes people think, oh, how fortunate you were, you know, you're with Goenka ji in those early years. But actually, we are people who, you know, we've done what little we can to help clear the way. But people with far greater parami, far more developed people will be coming in the future. And they will face their own challenges. It will be quite different than what we faced. I think to the next generation, and even this generation, we have to be very, very alert and very, very careful. And we're finding that in being alert to things that distract us from our mission. And our mission is spreading seeds of Dhamma, just like Goenka ji did. That was his mission. That is our mission. लुप्त हुई विद्या को पुनः स्थापित करने में पिछले 50 वर्षों में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आई। उनका सामना धम्म सेवकों ने अपनी श्रद्धा, समर्पण और साधना के बल पर किया है। शायद आगे वाले काल के लिए उनका संदेश यही है, लघुता, शील और गहन साधना। धम्म में तो कुछ चैलेंज है ही नहीं, जो भी रहे ये अपने अहम की चैलेंज हो सकती है। जितना ईगोलेस काम करेंगे इतना इतना हम अनित्य से अनंतता की तरफ जा रहे हैं। Dhamma is much stronger than us, and all we can do is just not stand in the way of Dhamma. That's what we can do, and that's our main task, to just let Dhamma flow. अपने भले के लिए ये गंगा अपने पास आई है, जितना पानी पिए उतना अपना भला है, बाकी तो काम चलते ही रहेगा। मेरे बने हो न हो ये काम तो चलता ही रहेगा। अंधकारे भिक्खवे आमन्ते शिवम्। And he invites him just before he passes away, the last words, that invaluable heritage, invaluable gift from him. Vai Dhamma Sankhara.
Appamadena Sampadeta Vaitamma Sankara. All the Sankaras are anicca, anicca, anicca. Whatever arises is bound to pass away. This is the truth. This is the law. This is nature. This is Dhamma. This is the reality. Keep on realizing this reality. Dhamma is not for just 10 days. It is for the whole life. Every moment of a human being is so precious. Make use of it for your own good, for your own benefit, for your own liberation, and for the good and benefit for so many others, so many others.